जय हिंद मेरे सभी साथियों को। क्यूक आईक्यू स्टडी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाएंगे जो कि बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना के नाम से जाने जाते हैं। देखिए साथियों, ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर एक एग्जाम्स में ये पूछे जाते हैं। चाहे आप एयरफोर्स का एग्जाम दे रहे हों, नेवी का दे रहे हों, RPF या रेलवे, SSC, किसी भी एग्जाम्स में ये ऐसा क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन में हम आपको लगभग 25 से 30 क्वेश्चन करवाएंगे, ठीक है? तो आप लोग वीडियो से के साथ बने रहें, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा वीडियो देखते हैं उसके बाद स्किप कर देते हैं तो आप पूरा नहीं सीख पाएंगे, ठीक है? और वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि और भी साथियों को और भी दोस्तों को इससे फ़ायदा मिल सके। तो चलिए अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसके पहले हम आपको बता दें, अगर इसका आप PDF लेना चाहते हैं तो आपका टेलीग्राम चैनल पर PDF मिलेगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और अगर आप सोशल मीडिया के द्वारा जुड़ना चाहते हैं, या टेलीग्राम हो या आपका इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, जिसके साथ भी आप जुड़ना चाहते हैं, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से जुड़ सकते हैं, ठीक है? और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसे देखिए आप ही को फ़ायदा है, ठीक है? जब भी क्वेश्चन अच्छी अच्छी आपके पास आ सके, जब भी वीडियो के साथ द्वारा आपका अपलोड होगा, अच्छे अच्छे क्वेश्चन अपलोड होगा, आपके पास पहुंच जाएगा तुरंत, सबसे पहले आप ही के पास पहुंचेगा, क्योंकि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है? तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और वीडियो कैसा लगा इसको अभी आप कमेंट में करके हमें बताइएगा। तो चलिए अब सीधे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, भाखड़ा नांगल परियोजना जो है सो किस नदी पे है, ठीक है? तो सतलज नदी पे होगा इसका आंसर। इसका आंसर जो है सतलज नदी पर होगा। देखिए, इसमें हम आपको एक चीज़ और बता दें कि देखिए, अब सतलज नदी पूछ दिया जाए कि सतलज नदी जो है किस राज्य में है, ठीक है? तो पंजाब में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा साथियों? पंजाब में। ये सतलज नदी जो है आपका पंजाब में हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना, इंदिरा गांधी नहर परियोजना कहाँ है या किस नदी पर, अगर इसमें पूछ दिया जाए तो किस नदी पर होगा? सतलज एवं व्यास, यानी सतलज व्यास नदी पर ये परियोजना है। अब अगर क्वेश्चन में इसमें एग्जाम से पूछ दिया जाए कि सतलज व्यास नदी जो है किस राज्य में पड़ेगी, तो किस राज्य में पड़ेगी? आप राजस्थान में पड़ेगी। ऑप्शन नंबर इसमें तो नहीं है, लेकिन इसमें अगर ऑप्शन दे दिया जाए तो आपका हो जाएगा राजस्थान, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हीरा कुंड बांध परियोजना कहाँ होगी। तो हीरा कुंड बांध परियोजना जो है महानदी पे है। किस नदी पे होगी? तो महानदी पे होगी। और किस राज्य में पड़ेगी, ठीक है? तो उड़ीसा में पड़ती है ये, ठीक है? अगर इसमें पूछ दिया जाए किस राज्य में पड़ेगी महानदी, तो उड़ीसा में पड़ती है। चलिए नेक्स्ट है कि तुंगभद्रा परियोजना किस नदी पे है? तो ये जो किस नदी पे पा रहा है, तो तुंगभद्रा नदी पे ही ये जो तुंगभद्रा परियोजना है सो तुंगभद्रा नदी पे ही है। अगर इसमें पूछ लिया जाए कि किस राज्य में पड़ता है, ठीक है? तो तुंगभद्रा नदी जो है सो आंध्र प्रदेश में पड़ेगा, ठीक है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं साथियों। नेक्स्ट है कि नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पे है? तो कृष्णा नदी पे हो जाएगा ये। नागार्जुन सागर परियोजना जो है कृष्णा नदी पे है। अगर इसमें पूछा जाए कि कृष्णा नदी किस नदी किस राज्य में पड़ती है, तो कृष्णा नदी जो है सो आंध्र प्रदेश में पड़ेगा, ठीक है? चलिए अब नेक्स्ट है कि फरक्का परियोजना, तो फरक्का परियोजना जो है सो किस नदी पे है? तो गंगा एवं भागीरथी। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गंगा एवं भागीरथी दोनों नदी पे है, क्योंकि अगर ऑप्शन में दोनों दे दिया जाए तो इसमें दोनों का आपको आंसर करना है। ये नहीं कि गंगा भी है भागीरथी है तो कोई एक में मानना है, क्यों नहीं, क्योंकि इसमें दोनों है और दोनों पे इसमें आंसर करना है। जो जो फरक्का परियोजना है सो गंगा एवं भागीरथी नदी पे है। अगर इसमें पूछ लिया जाए कि गंगा और भागीरथी नदी जो ये परियोजना है फरक्का परियोजना, तो किस राज्य में पड़ती है, ठीक है? तो पश्चिम बंगाल में आपका पड़ेगी, पश्चिम बंगाल में पड़ेगी। चलिए नेक्स्ट है कि काकरा पारा परियोजना किस नदी पे है? तो ताप्ती नदी पे होगी, ठीक है? काका पारा परियोजना जो है सो ताप्ती नदी पे हो जाएगी। और ये जो है सो गुजरात के राज्य में ये पड़ती है। चलिए नेक्स्ट है कि उकाई परियोजना है सो ताप्ती नदी पे, ये भी है ताप्ती नदी पे, जो कि गुजरात में ही पाई जाएगी। चलिए नेक्स्ट है कि रिहंद परियोजना जो है सो किस नदी पे है? तो रिहंद नदी पे हो जाएगी, ठीक है? रिहंद नदी पे है। और अगर पूछ लिया जाए कि रिहंद परियोजना है सो किस राज्य में है, तो उत्तर प्रदेश में है इसका हो जाएगा, ठीक है? इसका जो PDF हम आपको दे देंगे, टेंशन लेने की कोई बात नहीं। अगर इसमें कोई डाउट हो, ठीक है, तो आप कमेंट में करके हमसे पूछ सकते हैं कि इसमें अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट है कि इडुक्की परियोजना किस नदी पे है? तो पेरियार नदी पे हो जाएगी। अब पूछ दिया जाए कि इडुक्की परियोजना जो है सो किस राज्य में पड़ती है, ठीक है? तो इडुक्की परियोजना जो है आपका केरल राज्य में पड़ती है, ठीक है? देखिए साथियों, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं, ठीक है, तो इसे आप ही को फ़ायदा है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपके पास आएगा, ठीक है?
तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इससे आप ही को फ़ायदा है। चलिए ज़्यादा हम इसमें नहीं चर्चा करते हैं, क्योंकि कितने साथी हैं कि बोलते हैं कि नोटिफिकेशन नहीं मिल पाता है आपका वीडियो जो कब आता है जो, तो इसीलिए बताते हैं कि जब आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, तभी आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टिहरी बांध परियोजना, टिहरी बांध परियोजना किस नदी पे है? तो भागीरथी नदी पे हो जाएगा। ठीक है, अब पूछ जाएगा कि टिहरी बांध परियोजना जो है किस राज्य में है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी की देखिए पिछले बार नेवी में, नेवी एमआर का जो एग्जाम हुआ था उसमें ये पूछा गया था कि टिहरी बांध परियोजना किस नदी पे है और किस राज्य में पड़ता है। तो इस ये जो है उत्तराखंड में पड़ेगा। ठीक है, और भागीरथी नदी है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोयना परियोजना, तो कोयना परियोजना किस नदी पे है? तो कोयना नदी पे है। अगर इसमें पूछ लिया जाए कि किस राज्य में पड़ता है, तो महाराष्ट्र में ये पड़ेगा। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट है कि सलाल परियोजना, नेक्स्ट है सलाल परियोजना, तो सलाल परियोजना है सो चिनाब नदी पे आपका पड़ेगा। ठीक है, और चिनाब नदी जो है आपका कश्मीर में पड़ता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि स्वर्ण रेखा परियोजना है जो स्वर्ण रेखा नदी पे है। ठीक है, और स्वर्ण रेखा परियोजना जो है सो आपका झारखंड में पड़ेगा। ठीक है, देखिए साथियों ये जो हम आपको राज्य बता रहे हैं, तो ये चिनाब नदी चाहे हो आपका स्वर्ण रेखा नदी हो, तो सिर्फ उस जो राज्य है उस राज्य में ही तो नहीं आती है, और भी राज्य से आती है, लेकिन उस राज्य को बताने का मतलब है कि आपका जो परियोजना है। ठीक है, जैसे कि आपका यहाँ स्वर्ण रेखा परियोजना है। ठीक है, तो स्वर्ण रेखा नदी पे है, इसको आप ध्यान में रखिए। और स्वर्ण रेखा नदी जो है तो ये स्वर्ण रेखा नदी जो है इसमें कन्फ्यूज होने की बात नहीं है, स्वर्ण रेखा नदी जो है सो झारखंड में पड़ती है। ठीक है, तो ये जो है स्वर्ण रेखा नदी जो है सिर्फ झारखंड में तो नहीं पड़ेगी, इसलिए इसका जो आंसर हम बता रहे हैं जो स्वर्ण रेखा परियोजना जो है सो झारखंड में है। ठीक है, ठीक है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। अब चलिए जैसे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्वेश्चन में आप समझ जाइए कि शिव समुद्रम परियोजना, तो शिव समुद्रम परियोजना जो है सो आपका कावेरी नदी पे पड़ता है। ठीक है, लेकिन जो शिव समुद्रम परियोजना है अगर पूछी जाए कि ये किस राज्य में है, तो कर्नाटक में है, न कि कावेरी नदी कर्नाटक। ठीक है, इसमें है क्या है कि कावेरी नदी तो कर्नाटक में होगा ही, लेकिन लेकिन कावेरी नदी जो है सो बहुत लंबी नदी है। ठीक है, तो और राज्य में भी ये पड़ती है, लेकिन ये जो बताने का जो मेन ईगो है, मेन जो इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो शिव समुद्रम परियोजना यानी कि जो परियोजना है सो किस राज्य में है, सीधा सीधी आप ऐसे समझ जाइए कि जो परियोजना है किस राज्य में है वो हम आपको बता रहे हैं। चलिए नेक्स्ट है कि मेटूर बांध परियोजना, तो मेटूर बांध परियोजना किस नदी पे है? तो कावेरी नदी पे है। अगर पूछ लिया जाए कि मेटूर बांध परियोजना किस राज्य में है, तो आपका तमिलनाडु में हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट है कि तेनू घाट बांध परियोजना, तो तेनू घाट बांध परियोजना है सो दामोदर नदी पे है आपका। ठीक है, और तेनू घाट बांध परियोजना जो है सो आपका किस राज्य में पड़ जाएगा? तो झारखंड में पड़ जाएगा। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट है कि दामोदर घाटी परियोजना, दामोदर घाटी परियोजना जो है सो आपका दामोदर नदी पे हो जाएगा। ठीक है, और दामोदर घाटी जो परियोजना है ये भी आपको झारखंड में ही पड़ता है। झारखंड की राजधानी कहाँ है साथियों? तो आपका रांची हो जाएगा। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और देखिए अभी के हाल फिलहाल में झारखंड का जो मुख्यमंत्री बने थे, इसका आप लोग कमेंट में कीजिएगा कि झारखंड के जो नया मुख्यमंत्री बने हैं सो कौन बने हैं। देखते हैं कितने साथियों को ये क्वेश्चन का आंसर आता है। आज के क्वेश्चन यही है कि झारखंड की राजधानी जो है सो आपका पड़ जाएगा रांची, लेकिन झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है इसका आंसर आप लोग कीजिएगा कमेंट में। देखते हैं कितने साथियों को ये आता है। चलिए नेक्स्ट है कि सरदार सरोवर परियोजना, तो सरदार सरोवर परियोजना जो है आपका नर्मदा नदी पे है, लेकिन वही पूछ लिया जाए कि सरदार सरोवर परियोजना जो है किस राज्य में है? तो गुजरात में पड़ेगी। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट है कि दुलहस्ती परियोजना, दुलहस्ती परियोजना कहाँ है? तो चिनाव नदी पे पड़ेगा ये। ठीक है, और अगर पूछ लिया जाए किस राज्य में है, तो कश्मीर में पड़ेगी। ठीक है, देखिए जम्मू और कश्मीर दोनों अलग अलग है साथ में, लेकिन इसका जो क्षेत्रफल बोले या इसको जो स्पेस बोले तो अलग है, जम्मू एक अलग है कश्मीर अलग है, तो ये जो है कश्मीर में पड़ती है दुलहस्ती परियोजना जो कि चिनाब नदी पे है। चलिए अब नेक्स्ट है, और ये दो क्वेश्चन है इसमें लास्ट ही है कि अलमाटी बांध, अलमाटी बांध जो है कृष्णा नदी पे पड़ेगी। ठीक है, और कृष्णा नदी पे जो पड़ती है तो अलमाटी बांध जो है सो कर्नाटक में पड़ेगा। किस राज्य में इसमें पूछा जाए तो कर्नाटक में होगा। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट है कि मयूराक्षी परियोजना, तो मयूराक्षी परियोजना जो है सो मयूराक्षी नदी पे। ठीक है, अगर पूछ लिया जाए कि मयूराक्षी परियोजना जो है सो कहाँ पड़ती है, तो आपका पश्चिम, पश्चिम और बंगाल में इसको पड़ती है। ठीक है, जो कि इसमें हम पिछले भी एक क्वेश्चन आया था। ठीक है, जो कि पश्चिम बंगाल में भी पड़ती है, जैसे कि मयूराक्षी परियोजना जो है सो पश्चिम बंगाल में पड़ती है, वैसे ही फरक्का परियोजना भी आपका पश्चिम बंगाल में पड़ती है। तो साथियों यहाँ आपको ऑलमोस्ट 30 क्वेश्चन हो गया है। ठीक है,
तो आप लोग ये क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह से याद कर लें। जैसा कि हम आपको गारंटी, आपको दावा के साथ कहते हैं, गारंटी के साथ कहते हैं कि इस क्वेश्चन में एक ना दो क्वेश्चन आपको एयरफोर्स नेवी जिस भी एग्जाम्स हो कहीं ना कहीं आपको ज़रूर मिलेगा। ठीक है, ये मेरा दावा है, मेरा वादा है। ठीक है, तो इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और लोगों और दोस्तों इसे सीख सकें। ठीक है, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग लाइक कर दीजिएगा। अगर इसमें कोई भी कन्फ्यूज़न हो, ठीक है, तो आप ज़रूर कमेंट कीजिए, उसका हम रिप्लाई आपको ज़रूर देंगे। और अगर आप सोशल मीडिया के द्वारा जुड़ना चाहते हैं, ठीक है, तो सारा का डिस्क्रिप्शन लिंक में आपका लिंक दिया गया है, आप वहाँ से जुड़ सकते हैं। फेसबुक ग्रुप से जुड़ सकते हैं, फेसबुक पेज से जुड़ सकते हैं, ठीक है, इंस्टाग्राम से जुड़ सकते हैं। और अगर इसका PDF आप लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम पर जुड़िए, क्योंकि वहीं आपका सारा PDF मिलता है। तो जय हिंद साथियों, फिर हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। तो दोस्तों, क्यूक IQ स्टडी को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि और भी वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन के जरिए आते रहे। जय हिंद, जय भारत।